हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो बहुत ही आलसीपना छोड़ना पड़ रहा है आजकल मेरे को यार। मैं ना उठती हूँ तो मैं बड़ा मजे में रहती थी, थोड़ा मतलब फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, फिर थोड़ा सा काम करूँगी, फिर थोड़ा ऑफिस भागती थी। अभी अब वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है डेली। वैसे देखो, लोग जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा ना थकान भी हो जाती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अब मैं रेगुलर, मैं लोग चैलेंज देते हैं 365 चैलेंज, मैं अपने आप को दे रही हूँ 30 डेज 30 चैलेंज। तो मैं इस बार पूरे 30 दिन 30 वीडियो बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं मर जाऊँ, चाहे कुछ हो जाए, नहीं मतलब कुछ भी हो जाए मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। देखो, पुरानी पिछली वीडियो पर भी प्यार दीजिए, आप लोग, आप ही नहीं कहा था उस सॉन्ग पर करने के लिए। कौन सा सॉन्ग है? तू है कहाँ का फीमेल वर्जन, जो जो रिप्लाई दिया था उस पर मैंने रिएक्ट कर दिया है। उसको भी प्यार दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको दबा के करना है। क्यों? अभी इसलिए नहीं कि आप लोग को मेरे को मतलब सब्सक्राइबर देके बहुत चीज कुछ हो जाएगी। अभी मेरा फिलहाल का टारगेट पूरा करो, 15,000 मेरे को करने हैं 31st से पहले, तभी मेरी नई सुबह हो पाएगी न्यू ईयर की, वरना मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। अच्छी एकता एक होल नंबर में भी नहीं ला पाई सब्सक्राइबर को, तो कर देना प्लीज। हाँ, ये तो विनती है मेरी। बाकी है गाना, आज कौन से गाने में रिएक्ट करने वाली हूँ मैं? इस गाने पे मैं करने वाली हूँ मैं हो तुम मेरे हो, क्या था वो, मेरे हो तुम, अरे छी यार क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मेरे हो तुम, मैं कह रही हूँ मैं हो तुम, कुछ नहीं बनते तुक बंदी, मेरे हो तुम। तैमूर बैग का गाना है, बहुत सारे गानों में ये गाना भी था तो मैंने उठा लिया ये गाना। जरा देख लेती हूँ किस तरह का गाना है, कैसा काम हुआ है, और फिर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत जुगलबंदी बिठाते हैं गाने के बीच में। आप और मैं, आप और मैं, चलो। और भैया चल रही है क्या? 1 2 3 एंड गो। मेरे हो तुम, ठीक है आपके हैं। तू कहाँ खो गया, क्या है तेरा पता, अब मैं ढूंढूं वजह, तुम ख्वाबों में मिलते और कहते हो मेरे हो तुम, अच्छा मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, दिल लगी गुजारी रखते नहीं गिले किसी से, खत्म इस पर ही शुरू भी है इसी से, सो प्लीज स्टॉप, मुझे नहीं दो दलीलें, आई डोंट नीड इट, दर्द दिल में पर मैं जाहिर ना करूं, अमानत है वो दिल की बातें बाहर ना करूं, ain't gonna lie, music मेरे लिए escape बना, गम मिटाने को मैं शायरी करूं, no I don't wanna die young, boy मौत मेरी दोस्त नहीं है पर वो मुझसे रोज मिले, खबर हम बैठे बुरी खबर मिली सोग मिले, बुराई ना करूं मैं खुश हूं मुझे जो मिले, खुदा देता है ये नेमतें हम क्या जताएं, अमानत है वो दिल की बातें हम किसी को क्या बताएं, एक सवाल इस दिमाग में एक अरसे रहा, अभी मूड में नहीं है चले ना बताएं, जिंदगी है दूसरे दर्द का नाम, खाए जख्म की ये हजम मैंने क्या बताएं, कोई चीज तुझसे छुपी नहीं कभी, हर चीज सामने है तेरे तुझसे क्या छुपाएं, Yeah, I'm waiting for my peak. ये बुलंदियां भी छूनी है मुझे, मगर the best is yet to see. ये सब चीजें जो अब हो रही हैं जिंदगी में मेरी, कभी सोचा नहीं था मैंने, it wasn't meant to be. क्यों मैं निकलूं बाहर, क्यों कमाने जाऊं, घर में लिखूं बस मैं स्टूडियो में गाने जाऊं, मैं जिनके लिए था बुरा आज देखो शो में वो भी आए, काफी चाहते थे कि गाने शाने वो भी आए, सुनूं हर बात तेरी मैं वो लड़का नहीं हूं, I don't care. मुझे परवाह नहीं, मैं लड़ता नहीं हूँ, दूर भी चले जाएं तो राबता रहेगा, तेरी आस में ये जिस्म बस यूं कांपता रहेगा, तो मैं बोलूं क्या, तेरे आगे मेरी चलती नहीं है, दिल से की भी मोहब्बत कभी किसी को मिलती नहीं है, मर मिटे हैं उन पर लिख रहे हैं गाने, पर अफसोस उन्हें पता ही नहीं वो गाने मेरे सुनती नहीं है तेरी।
पॉज करने का बिल्कुल मन नहीं था। देखो यहाँ पे देखो, सब लोग कहते हैं रिएक्ट करने के पीछे पॉज भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। देख बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है वरना ओरिजिनल गाना सुन के आओ, अगर तुम्हें पॉज करना नहीं चाहिए। पर मैं सच बताऊँ, इस गाने को मेरा पॉज करने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है मैं सुनते जाऊँ सुनते जाऊँ, एक फ्लो जो इनका बनता जा रहा है वो समझते जाऊँ। बड़ा प्यारा लिखा है, मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिनको आप रोक के उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते हो, ये इस टाइप के गाने, क्योंकि वो सुन के ही मजा आ रहा है ना। ये लाइन एक्सप्लेन करने का, वाह ये क्या लाइन बोल दी, ये क्या लाइन बोल दी, नहीं मन कर रहा है कि इनको सुनती रहूं, ठीक है। कि ये जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छा मेरा तो ये मन था और लोग चाह रहे थे, मतलब मेरे जो बुराई करते थे वो भी मेरे आज शोज में आ रहे हैं, मेरे भी मतलब शोज में आ रहे हैं वो लोग, और बहुत लोग गाना चाहते थे जो कि नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन आज मैं वो चीज कर रहा हूं। और जिसके बारे में कह रहे हैं कि तू दूर है ठीक है, तेरे से राबता बना हुआ है, पर तेरे ना होने पे भी रूह रूह कांपती है, मतलब क्या लाइनें आ रही है, मजा आ रहा है। और गाना सिर्फ सुनने का मन कर रहा है, ठीक है तो सुन लेते हैं गाना। भी मोहब्बत कभी किसी को मिलती नहीं है, मर मिटे हैं उन पर लिख रहे हैं गाने, पर अफसोस उन्हें पता ही नहीं वो गाने मेरे सुनती नहीं है। ओहो, तेरी याद वो सुनती आए नहीं है भैया, तू याद नहीं है, करने के लिए छोड़ी तूने कोई बात नहीं है, दिल की बातें अब अमानत ही नहीं रही, खयानत हो चुकी वो बातें राज नहीं है। तू कहाँ खो गया, क्या है तेरा पता, अब मैं ढूंढू वजह, तुम ख्वाबों में मिलते और कहते हो मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तुम। खत्म, ठीक हो गया। अब बताती हूँ, ठीक है, गाने के बारे में बोलने को थोड़ा बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं, क्योंकि गाना प्यारा था, ठीक है। अब इसमें मैं कहती हूँ कि इसी को शुरू करते हैं। जब गाना शुरू हुआ तो जैसे उठा तो मुझे लगा ठीक है नॉर्मल सा ही है, कुछ कुछ अलग नहीं है, हटके नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मतलब रैप टाइप का जो भी था इनका, शायरी या रैप जो भी कहेंगे उसको, वो चला, तो वो समझते समझते जब वो चला ना, तो मुझे इनकी आवाज़ थोड़ी वो क्लियर वाली नहीं लगी, पता नहीं क्यों, ऐसा लगा कि सुननी पड़ी बहुत मेरे को। या तो देखो मेरी ईयरफोन क्वालिटी ख़राब है, वो तो ऑब्वियसली ख़राब ही है, बकवास से ये, लेकिन मेरे को, हाँ लेकिन मेरे को क्या ना, बहुत थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा इनकी इनकी आवाज़ पे, तो ध्यान लगा के समझ में आ रही है, ऐसा नहीं। एक होता ना वो बिना ध्यान की एक तरह की आवाज़ होती है, वो जो सॉफ्ट सी आवाज होती है वो समझ में आ जाती है, जो वॉइस क्लियर होती है वो समझ में बहुत ज्यादा आ जाती है। इनकी आवाज थोड़ी भारीपन टाइप का था, तो मेरे को सुनने में थोड़ा मेहनत लगी, ठीक है, कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सुनते सुनते सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया गाना लग रहा है, और इनका वो एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा, वो तो मतलब तू ना भी आए ठीक है, लेकिन मतलब मैंने तेरे लिए जो गाने बनाए वो तू उस काबिल भी नहीं है, और खैर वो तू सुनती भी नहीं है, मतलब बहुत अलग टाइप की चीजें लिखी, अपना मतलब अपना दुख बताने के तरीके सबके अलग होते हैं ना, कोई प्यार में डूबा हुआ होता है, और ये थोड़ा एटीट्यूड वाला था इनका, कि बता भी रहे हैं सुना भी रहे हैं सब कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गाना मुझे प्यारा लगा, और जब गाना खत्म होने लगा ना, तो उस गाने ने छाप छोड़ी, मतलब शुरू होने में मेरे से छाप नहीं छोड़ रहा था, शुरू होने में मेरे को ऐसी वाइब नहीं आ रही थी ना, मेरे हो तुम जो भी वो गाने में चल रहा था, लेकिन उसने उठाया 1-1.5 मिनट के बाद, वो गाना उठने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, और तब जाके उतरा आपके दिमाग में, और फिर लास्ट लास्ट में होने लगा, ना 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 ना, मतलब गाना प्यारा था, वरना लास्ट में भी मतलब उतना कनेक्ट कनेक्ट फील नहीं कर पाती, पर करा, तो अच्छा गाना लगा, बढ़िया गाना लगा, और मजा आया, सजेशन जस्टिफाई हो गया। बोरिंग सा होता तो ज्यादा नहीं लगता, मैं बोल भी देती हूँ ठीक है, क्योंकि गाने अच्छे हो सकते हैं, देखो सबके सब सबके सुनने के तरीके अलग अलग होते हैं ना, किसी को इस टाइप के गाने पसंद नहीं आते, किसी को इस टाइप के गाने पसंद नहीं आते, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे को जैसा लगा, मेरे को ठीक लगा, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, मेरे को नहीं मजा आया, मेरे को कम मजा आया, मेरे को कम मजा नहीं आया, तो बता रही हूँ। गाना शुरू होते ही मेरे को उतना नहीं लग रहा था कि यार मजा आ रहा है मजा आ रहा है जैसा, लेकिन गाना बैठने के बाद वो जम गया दिमाग में, तो चलो
ये तो जम गया, पर आप लोगों की मेरे साथ जम रही है नहीं जम रही है इसका पता चलेगा सब्सक्राइबर, इसका पता चलेगा शेयर से, लाइक से और कमेंट से प्यारे प्यारे, तो वो करो और फैलाओ और तभी मिलो मेरे से, वरना अगली वीडियो मत, वरना देखने आना अगली वीडियो, ऐसा भी नहीं कह सकते अगली वीडियो मत देखने आना, नहीं सब सब वीडियो देखना ठीक है, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और मैं आपको 31st में भी बाय बाय करूंगी, न्यू ईयर में भी वीडियो लाऊंगी, बहुत काम कर रही हूँ भाई साहब, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, ऐसे रीलर्स ऐसे कैमरा फेंकते हैं ना बंद हो जाता है।